Hi friends, this is Devi Prasad. Welcome to my channel. So दोस्तों, मैं कुछ दिनों से बहुत सारे गाने पोस्ट कर रहा हूँ, आप तो देख ही रहे हैं. और मैंने आपको बोला था लाइव सिंगिंग मैं आपको मदद करूँगा, कैसे गाने गाए जाते हैं और डिफरेंट सॉन्ग्स, डिफरेंट जॉनर और डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ सिंगिंग. मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं गाऊंगा, पोस्ट करूंगा और आप देख भी रहे हैं. थैंक यू फॉर दैट. आज दोस्तों एक ऐसा गाना गाऊंगा जो कि प्यार को दर्शाता है. लाइक कैसे प्यार में इंसान बहुत कुछ बोल जाता है और बहुत कुछ कह जाता है, पता ही नहीं चलता. आपने भी कभी ना कभी किसी को प्यार किया होगा, मैंने भी किया है. तो जब मैंने प्यार किया था तो मैंने ये गाना गाया था. चलिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए कैसे लाइव सिंगिंग किया जाता है. सिंपल है, सिर्फ दो चीज़, यह मैं बार बार दोहराता हूँ, दो चीज़, क्या लाइन्स है गाने में और वो गाना कैसे लिखा गया है, क्या जॉनर है. ठीक है, तो चलिए गाते हैं. आज का सॉन्ग है और आज थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट. अभी अभी मैं घर पहुंचा हूं तो अभी आप लोगों के लिए बना रहा हूं एक अच्छा वीडियो. चलिए दोस्तों, तो ये गाना है गुणी सिंगर श्रीमान कुमार सानू और ये गाना है बहुत ही पुराना गाना है, बट देन बहुत अच्छा है. नाम है तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है. बहुत ही अच्छा गाना है, चलिए गाते हैं. आप भी गाइए मेरे साथ. Here it is. Yes. हो ला 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 हे ला 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 तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है. तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है. तू पसंद है किसी और का, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है. तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है. कौन अपना है, क्या बेगाना है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है. कौन अपना है, क्या बेगाना है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है. ये जमाने में किसने जाना है, ये जमाने में किसने जाना है. तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है. तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है. तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है. तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है. तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है. थैंक यू फ्रेंड्स. तो ये गाना था आपके लिए, एंजॉय कीजिए. और दोस्तों आज मैं बताना चाहूँगा, लाइव सिंगिंग एक ऐसा चीज़ है जो आपको पहली दफ़ा गाने को फील करना है. जैसे मैंने अभी विद इन फ्यू मिनट्स
आपको प्रेजेंट किया, तो गाने को फील करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने जब बचपन से गाना गाना स्टार्ट किया था, तो मैं सोचता रहता था कि ये कैसे गा रहे हैं और क्या अंतर है उनमें और हम में, कि बहुत ही अच्छा सिंगर है और हम कैसे गा सकते हैं। तो मैं एक एक गाने को बहुत बार सुनता था, उसको समझने के लिए कोशिश करता था। उस समय जब मैं लगभग 5-7 साल का रहूँगा, जो लोग मुझे जानते हैं इनको वो पता है, तो सबको पता नहीं होगा। तो मैं बचपन से ही उसके अंदर सोचता था ये क्या गाना है, क्यों गा रहे हैं, उसके लाइंस क्या है। तो एक अजीब सा आप बोल सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बन गया था मेरा गाने के साथ। तो वही मैं बार बार दोहराता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको गाना समझना है क्या लाइन्स है। जैसे कि मैं एक लाइन बता रहा हूँ, जब मैंने अंतरा स्टार्ट किया तो एक लाइन है, कौन अपना है क्या बेगाना है। तो ये लाइन्स में थोड़ा दर्द होता है, आप फील किए होंगे फिल्म का मूवी में जो गाना दिया गया था उसमें दर्द है। तो ये अगर दर्द नहीं दिखेगा तो वो लाइन्स का कुछ मतलब नहीं रहेगा। मान लीजिए हम ये लाइन्स को कुछ डिफरेंट वे में गाएंगे, कौन अपना है क्या बेगाना है, तो दर्द आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, आप फील कीजिए, नहीं दिखेगा। कौन अपना है क्या बेगाना है, क्या हकीकत है क्या फसाना है, ये जमाने में किसने जाना है, ये जमाने में किसने जाना है, ये जाना है, ये जमाने में किसने जाना है। तो ये हमने अथॉरिटी के साथ बोला है कि जो पता नहीं है किसी को ये सब हो रहा है। इस लाइन्स के मीनिंग ये निकलते हैं। तो जो मेरा दर्द है वो किसी को पता नहीं है, मुझे ही पता है, इसीलिए मैं वो दर्द दिखा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है दोस्तों, जब आप गाएंगे तो ये बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आपको अगर सुर ताल का लय अभी नहीं बैठ रहा है तो इट्स फाइन, बट आप अगर वो फील ही नहीं ला पा रहे गाने में तो गाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं सिर्फ यही सलाह दूंगा कि आप दर्द के साथ गाइए, जैसे गाना है एक्चुअली, जिस तरह का सेंटिमेंट है, जिस तरह का फील है गाने में, तो उसी फील को आप अपने अंदर लाइए, देन ओनली इट विल बी ए कंप्लीट सॉन्ग। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, गाने पोस्ट करता जाऊंगा, और मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ कैसे एक एक गाने के लिए, जो मैं प्रोसेस में हूँ कि एक गाने के लिए जो मैं खत्म कर रहा हूँ, अभी मान लीजिए आज का गाना खत्म हो गया, तो उस गाने को कैसे लाइव आप गाएंगे विथ सम टेक्निकलिटीज, और नॉर्मल कैसे आप इम्प्रोवाइज करेंगे आपके वोकल कंफर्टेबिलिटी जोन के अंदर, या आप कैसे गाते हैं, या लो स्केल है हाई स्केल है, ये सब मैं आपको धीरे धीरे सिखाता जाऊंगा। तो थोड़ा टाइम दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप बने रहिए चैनल में, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आगे पोस्ट करता जाऊंगा। और थोड़ा देरी में पोस्ट होने का कारण यही है कि मैं शाम को आऊंगा ऑफिस से, तो फिर बनाऊंगा, तो थोड़ा उसमें आपको समटाइम्स लेट हो सकता है, तो प्लीज बेयर विथ मी। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर एक अच्छे गाने से मुलाकात होगा। ठीक है, आप सीखते रहिए, कीप लर्निंग कीप सिंगिंग, हर वक्त गाते रहिए, कीप सिंगिंग, दैट्स वन गुड मोटिवेशन बिहाइंड यू। आप गाइए, मैं भी गाता रहता हूँ। चलिए फिर, बाय, टेक केयर।